सेशन ऑफ ब्लड, सेशन का मतलब होता है स्टॉप, कंप्लीट सेशन, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी सप्लाई। तो अब बेटा अगर कंप्लीट सेट कट ऑफ हो जाए, कोई भी टिश्यू है जिसको ब्लड मिले ही ना, ऑक्सीजन मिले ही ना, न्यूट्रिएंट्स मिले ही ना, तो क्या होगा उसमें? थोड़े दिनों में उसमें सड़न शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो नाउ दिस विल लीड टू नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, इट विल लीड टू नेक्रोसिस बेटा, नेक्रोसिस मतलब सड़ना, ठीक है? तो अब तक जब तक ये बेटा एंजाइना था तब तक तो ये रिवर्सिबल स्टेज थी, आप इलाज कर दीजिए भाई, ये जो क्लॉट है उस क्लॉट को रिमूव कर दीजिए, चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन एक बार जब नेक्रोसिस शुरू हो जाती है तो दिस इज इरिवर्सिबल स्टेज बेटा, अब ये रिवर्सिबल स्टेज हो गई। नाउ दिस नेक्रोसिस लीड्स टू व्हाट यू कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट अटैक, दिस नेक्रोसिस दिस विल लीड टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन, MI, इसी को कॉमनली आप लोग हार्ट अटैक कहते हो, ठीक है? तो इससे रिलेटेड बेटा कुछ चीजें और पूछती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स पूछता है। देखो जितना आप लोग पढ़े हो वो कम है, इस चैप्टर के माध्यम से मैं आप क्रैश कोर्स वालों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपने पढ़ा हुआ है वो कम है बेटा, ठीक? अब देखिए मैं और बताता हूं, उस ऑक्लूजन, उस क्लॉट को, उस थ्रॉम्बस को, उस प्लग को रिमूव करना है तो इसमें आप पढ़े हुए हो कि एंजियोप्लास्टी करनी होती है, एंजियोप्लास्टी करनी होती है, इसको आप लोग कहते हैं ना स्टेंट डलवाया है, स्टेंट डलवाया है। मान लीजिए कि ये वेसल है, इसके अंदर यहां पर ये क्लेफ्ट है, इट कैन बी ऑफ ब्लड, इट मे बी ऑफ कोलेस्टेरॉल, ये किसी भी चीज का हो सकता है ये क्लॉट, इसको रिमूव करना है तो एंजियोप्लास्टी करते हो, ठीक है? तो मान लो कि ये आर्टरी जो है ये इस पर्टिकुलर टिश्यू को सप्लाई कर रही है, ठीक? तो पहला तरीका तो ये एंजियोप्लास्टी कर दिया। तो एंजियोप्लास्टी में हम करते क्या है कि अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को हम ड्रिल करके इस क्लॉट के पार ले जाते हैं और फिर इसको ओपन करके बाहर की ओर खींचते हैं, तो इट टेक्स अवे द क्लॉट विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, ये इसको अपने साथ खींच के बाहर ले जाएगा एंड दिस आर्टरी वुड बी अगेन फ्री, तो फिर ब्लड इसमें से पास होने लगता है, ठीक है? तो ये करते हैं। दूसरा तरीका है बेटा इसका, CABG, this was the first technique, this is the second technique. CABG is coronary artery bypass grafting, bypass grafting. अब बाईपास करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर रास्ते से ना जा करके दूसरे रास्ते से जाए। देखो ये मान लीजिए हार्ट है, ये आर्टरी सप्लाई कर रही थी, हार्ट को सप्लाई करने वाली ये आर्टरी है, ठीक? इसमें हो गया ऑक्लूडेंस, ये आर्टरी बेकार हो गई, नेक्रोसिस हो गई इस आर्टरी की, अब इस आर्टरी को हम रिपेयर नहीं कर सकते। बाय रिपेयर तो हम कर सकते थे रिवर्सिबल स्टेज में, जब एंजाइना था एंजियोप्लास्टी करा सकते थे, पर यहां पर क्या सीन है, जब ये इसकी नेक्रोसिस हो गई, ये आर्टरी खराब हो गई, तो अब हमें ब्लड सप्लाई तो लगानी है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में हमें ब्लड सप्लाई तो पहुंचानी है, तो हम करते क्या है, देखो इस पर सवाल आता है,
हम दूसरे रास्ते का चुनाव करेंगे, द अल्टरनेट वे, इधर से या इधर से। ब्लड की सप्लाई तो हमें पहुंचानी ही, तो हम करते क्या हैं कि हम इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और एक नया रास्ता चालू करते हैं। ऐसा एक नया रास्ता चालू करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड पहुंचाने के लिए। तो हम इस रास्ते को बाईपास कर गए ना, और ये जो नया रास्ता बनाए हैं हम, इसको कहते हैं ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट है, ये यही ग्राफ्ट है जो ग्राफ्टिंग लिखा हुआ है। इसमें हम बाहर से कोई ग्राफ्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि हम पेशेंट की जान से खेल नहीं सकते। पता चला भाई बाहर से ग्राफ्ट हम लेके आए, वो ग्राफ्ट बॉडी रिजेक्ट कर दी, तो आदमी तो मर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हम पेशेंट की ही एक आर्टरी और एक वेन को ज्यादातर यूज करते हैं। उसका नाम पूछता है कि सीएबीजी में कौन सी वो दो वेसल हैं जिनका मोस्ट कॉमनली यूज होता है। उसको आप लोग याद रखिए बेटा, सबसे पहला है इंटरनल मैमिलरी आर्टरी एंड सेकेंड इज सैफनस वेन। सेकेंड इज सैफनस वेन। इन दोनों का ग्राफ्ट में बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। फिर एक तीसरा सवाल आप लोगों से बेटा ये पूछता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, नहीं कहते हैं कि पहली एक आर्टरी ब्लॉक है, दो आर्टरी ब्लॉक है, कि तीन आर्टरी ब्लॉक, ऐसा सुन रखा आपने ना। कोरोनरी आर्टरी की सभी ब्रांचों में जो एलएडी कौन सी है, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, लैड कहते हैं इसे। अगर इस ब्रांच में ब्लॉकेज हुआ, कोरोनरी आर्टरी की अगर इस ब्रांच में ब्लॉकेज हुआ, तो 70% चांस है कि आदमी मर जाएगा, 70% चांस है कि आदमी कोलैप्स कर जाएगा, पेशेंट विल डिमाइस। इसीलिए इस आर्टरी को कहा भी गया है वीडोज आर्टरी, इसको वीडोज आर्टरी भी कहते हैं, स्लैड को। ये सवाल पूछा गया है आपसे, ये कोरोनरी आर्टरी के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये देखो दोनों टर्म जो है बड़े सिमिलर हैं, ठीक है। जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स विच रेगुलेट द हार्ट बीट, ठीक। इसके बाद हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, इजेक्शन फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट पढ़ेंगे, और इसके अलावा कई तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि कार्डियोलॉजी में इंडिया में ज्यादातर टीचर्स ऑमिट कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।